एंड वी हैव लाइक यू नो क्या है हेलो ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज अर्पिता नगारे और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दोहा एयरपोर्ट और हमारे यहाँ पे अभी 13 आवर्स का लेओवर है तो या सो दिस व्लॉग विल बी अबाउट 13 आवर्स इन दोहा चला तो हमारी फ्लाइट हुई थी एकदम अर्ली मॉर्निंग लैंड इसलिए देखो यहाँ पे सब शान शान सा खाली खाली सा है और ये जो अराइवल वाला एरिया था वो बहुत प्यारा था तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखते हैं कि कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लग गई है उसके बाद में हम लोग रास्ता ही देख रहे थे कि हम लोग एयरपोर्ट के सेंटर पार्ट में कैसे जाए जहाँ पे ये बड़ा सा लैम बियर प्लेस्ड है एक्चुअली बहुत पॉपुलर है ये अब बात ये हुई है कि हमने वो ऊपर से तो देखा है लेकिन उधर जाना कैसे वी डोंट नो दैट तो वही अभी सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग एक बार हम लोग ऊपर गए फिर नीचे आए तो हम लोग वापस उसी जगह पे आए जहाँ से हम लोग ऊपर गए थे तो लेट्स सी नाउ तो हम लोग सिक्योरिटी क्लियर करके निकल ही रहे थे तो हमको ये बड़ी सी स्क्रीन दिखी विच वॉज रियली यूनिक बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग डिस्प्ले किए गए और फाइनली हम लोग आ गए हैं नीचे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर वॉज दिस रियली क्यूट लुई विटॉन स्टोर फॉलोड बाय दिस अमेजिंग फुटबॉल स्टोर तो रिसेंटली यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो प्रोबेबली उसकी वजह से यहाँ पे प्लेस किया होगा सो हियर इट इज जायंट पियर एट दोहा एयरपोर्ट एंड लेट वी स्टूड देयर फॉर फ्यू मिनट्स एंड वी वर जस्ट लुकिंग ऑल अराउंड बिकॉज द एटमोसफियर देयर वॉज रियली वंडरफुल आई लव्ड इट सो आई शॉट दिस टाइम लैप्स देयर एंड इन केस यू गाइज डोंट नो दिस टेडी बियर इज एन आर्ट विच इज सिटिंग पीसफुली इनसाइड दैट लैम्प तो टेक्निकली ये बैग बहुत भारी हो रही थी तो हम लोगों को ऐसी छोटी सी ट्रॉली टाइप्स की मिल गई इसके वजह से हम लोग लेके जा रहे हैं इजीली ओके सो टेक्निकली यहाँ पे चलता है कतरी या फिर USD और हमारे पास है पाउंड या फिर INR तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो करना पड़ेगा मनी कन्वर्जन तो हाँ तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना एक रफली मतलब रफ एक चक्कर मार लिया और देखा कि प्राइजेस क्या है तो हमको मतलब कितना एग्जैक्टली एक्सचेंज करना पड़ेगा तो वी हैव डिसाइडेड फाइनली कि हम लोग USD में चेंज करेंगे तो मतलब कन्वर्ट करेंगे तो चलो लेट्स गो ओके सो फाइनली हम लोगों का एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज हमने किया पाउंड्स टू कतरी और यहाँ पे एक्चुअली जो थे ना मतलब जो एक्सचेंज वाले लोग थे तो देवर लाइक देवर कि तुम लोग जाओ वो ATM से निकाल लो ATM से डायरेक्ट कन्वर्ट होके निकलते हैं बट वहाँ पे जाकर कुछ एरर मिल रहा था तो उस चक्कर में बट फाइनली हम लोगों को मिल गए हैं तो या तो उसके बाद में हम लोग निकल गए कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए जहाँ पे हमको प्रॉपर मिडल ईस्ट का जो खाना रहता है वो मिलेगा और हमको यहाँ पे फाइनली दिख रहा था लैम शोंग सो दिस इज लैम शोंग एंड इट इज़ अमेजिंग इसके बाद में ये था हमस बट मुझे कस की भूख लगी थी इसलिए मैंने लैम शोंग लिया एंड लुक एट द व्यू वी गॉट वाइल ईटिंग ये उसके बाद में यहाँ पे क्रोसो भी अवेलेबल थे और बहुत सारे ईटिंग ऑप्शंस थे एक्चुअली और यहाँ पे पानी इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन कोल्ड ड्रिंक लिटरली पानी इज़ फॉर 20 कतरी एंड कोल्ड ड्रिंक इज़ फॉर 15 कतरी तो हमको जैसे ही पैसे मिले हम लोग सबसे पहले गए खाना खाने के लिए क्योंकि हम लोग बहुत ज़ोर से भूख लगी थी
तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ का जो मतलब जैसे स्पेशलिटी है वो ट्राई करना चाहिए, तो जिसके लिए मतलब जैसे ना जो हमने खाया लैम शोंग खाया, तो वो यहाँ की स्पेशलिटी है। प्लस हमस यहाँ की स्पेशलिटी है, जो हम लोग नेक्स्ट वाले मतलब नेक्स्ट टाइम जब खाएंगे तो उसमें खाएंगे। तो अभी हमारे पास है थोड़े से पैसे, और प्लस ना हमको कतर एयरवेज के मतलब जैसे हमने वहाँ से टिकट बुक की थी, तो वहाँ से हमको कुछ एवियोस पॉइंट्स करके मिले हैं, तो विच वी कैन यूज़ इन दिस ड्यूटी फ्री शॉपिंग थिंग। तो देखते हैं अभी कुछ यहाँ पे मतलब ऐसा जैसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ लूँगी पर्सनली, लेकिन देखते हैं अभी कुछ अच्छी खाने पीने की चीज़ें मिले तो ले सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे हमने सुना है कि सिटी टूर होता है, लाइक दे टेक अस एंड सिटी घुमा के फिर दे ड्रॉप अस बैक हियर। तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं कि देखने के लिए कि क्या है वो प्रोसेस एग्जैक्टली और कैसा क्या है। तो चलो ओके। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिटी टूर का था वो ड्रॉप हो गया है, क्योंकि वो इंडियन उन लोगों को मतलब नहीं, इंडियन के लिए ना जो वीज़ा ऑन अराइवल है ना वो नहीं है, मतलब नहीं देते हैं। ऐसा 2-3 कंट्रीज़ बताया जिसमें इंडिया भी था, तो हमने ट्राई किया कि हम लोग हमारा यूके वाला वीज़ा भी दिखा पाए, बट स्टिल दे सेड कि नो, इट्स जस्ट दे जस्ट चेक द पासपोर्ट थिंग, तो उसके वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ठीक है, कोई नहीं। तो मेरे को ये नहीं समझता कि इंडिया हमेशा इतने पिछड़े हुए देशों में क्यों आता है यार, हर जगह वीज़ा लगता है। तो यहाँ पे ना जैसे मतलब अरेबिक कंट्रीज़ में खजूर बहुत मतलब फेमस रहते हैं, या फिर मतलब तो हम लोग सोच रहे हैं कि खजूर ले लें। तो चलो खजूर लेते हैं। पाओ, ये देखिए कितना क्यूट है। तो लेट्स टेक डेट्स, अरेबिक स्वीट्स। चलो, सो आई टुक सम डेट्स प्लस आई टुक सम चॉकलेट्स एंड सम चॉकलेट्स, दैट्स इट। सो देर वॉज दिस स्टोर ऑन द वे एंड वी वर लुकिंग फॉर सम जर्सीज हियर, बट दे वर डैम एक्सपेंसिव, सो वी डिडंट बाय दैट। सुवेनियर है कतर के, चल देखते। So basically these were few of the souvenirs of Qatar representing their culture. Also there were lot more other things. तो अभी बात ऐसी हो रही है कि हम लोगों को कुछ जो चीज़ें से पसंद आ रही है तो देर लाइक हमारे पास लिमिटेड पैसे, अभी वो लोग वो चीज़ें बजट के बाहर जा रही है और जो बजट के अंदर है वो हमको पसंद नहीं आ रही है, क्या करें। तो उसके बाद में हम लोग निकल गए थे पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए कि कौन सी शॉप्स है और हम कुछ और ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कतर के क्या स्पेशलिटीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो लेट्स गो। Oh,
केस यू आर टायर्ड एंड यू वॉन्ट टू हैव अ नैप और लाइक अ प्रॉपर स्लीप, सो यू कैन कम हियर एंड स्लीप, बट यू ऑल्सो हैव टू पे. तो अभी आफ्टर रोमिंग फॉर आज हम लोग इतना थक गए हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कुछ ना देखो, क्योंकि अभी कुछ बचा भी नहीं है देखने के लिए. अब बस बैठ गए हम लोग एक जगह पे और बहुत नींद आ रही है. तो बेसिकली हम लोग एक स्टोर गए थे, मतलब वो इट वाज लाइक टोटली अरेबिक था वहाँ पे सामान. तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से वो रहता ना ऊद वाले परफ्यूम्स, तो वो लेते हैं करके. तो वहाँ पे जो एक स्टोर असिस्टेंट था ही वाज फ्रॉम इंडिया, ठीक है. तो ही सेड अस कि मतलब वो आए एंड ही टॉक टू अस लाइक आर यू गाइस फ्रॉम इंडिया ऐसा वगैरह. तो हमारे से बात वगैरह हुई तो ही सेड कुछ मत लो यहाँ से, मतलब वो खुद की दुकान से लिटरली बोल रहा था ये बहुत महंगा मिल रहा है यहाँ पे, कुछ मत लो करके. यहाँ पे एज इन एयरपोर्ट पे कुछ मत लो, कतर के मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है. तो वापस लगी है भूख और अभी हम खाएंगे फ्रूट सैलेड, क्योंकि फ्लाइट में भी खाना है फिर इसीलिए. तो हम लोग एक्चुअली सुबह सुबह यहाँ पे आए थे और यहाँ पे, लेकिन अभी शाम में यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया, एवरीवन इज क्लिकिंग लाइक फोटोज विद ओके. तो फाइनली इतने देर के बाद में वी आर गोना बोर्ड द फ्लाइट. तो फाइनली इतने देर के बाद में अभी हो गई है हमारी फ्लाइट रेडी, हम जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने. तो हाँ, तो मैंने सुना है ऐसा कि दोहा इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड नीट एयरपोर्ट, और कौन सा एयरपोर्ट, बेस्ट एयरपोर्ट. सो लाइक दोहा इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट. तो ठीक है, मतलब अच्छा था, मतलब इतना भी एक्साइट नहीं किया बट ठीक है, अच्छा था यार. अभी हमको जाना है गेट नंबर, जाना है अभी C80 पे और अभी C2 है. तो आई थिंक यहाँ पे कुछ होगा ट्रांसपोर्ट वगैरह. सो बेसिकली दिस वॉज अ लेओवर इन कतर. इफ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एनी टाइम एनी प्लेस, लाइक नेक्स्ट.